दूसरे चरण के लिए आज मतदान किए जा रहे हैं और इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सभी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है, मतदाताओं के लिए पेयजल पंखे सहित सभी व्यवस्थाएं की गई है, मतदाताओं को बाहर निकलकर मतदान करने की जरूरत है, सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, कहीं से भी हिंसा की कोई सूचना नहीं मिली है, सभी बूथों पर फोर्स मौजूद रहेगी। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं, सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है, वहां सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है, बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, आज सबको मतदान करने जरूर आना है। देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग है और वोटर्स भी अपने आप में सजग है, तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे, खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है, जैसे बोलते ना चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए, सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।